आयरन मैन जिसके एमसीयू में रिटर्न को लेकर फैंस पल के पीछे बैठे हैं कि कब आयरन मैन एमसीयू में वापस आएगा, जिसकी उम्मीद फैंस 2019 से ही लगाए बैठे हैं, जब एवेंजर्स एंडगेम में आयरन मैन ने खुद को सैक्रिफाइस किया था, जिसके बाद से अभी तक किसी भी मूवी और सीरीज में हमें आयरन मैन को नहीं दिखाया गया। और यही नहीं, कोई आयरन मैन का फ्लैशबैक सीन भी नहीं दिखाया गया। लेकिन वो कहते हैं ना, सबर का फल मीठा होता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है उस फल को मार्वल वाले खुद ही खा गए, क्योंकि जब भी आयरन मैन के रिटर्न को लेकर कोई अच्छी खबर निकल कर आती है तो उसके साथ एक बुरी खबर भी आती है। जैसे कि हाल ही में एक रूमर निकल कर आई थी कि आयरन मैन स्टार रॉबर्ट डाउनी जूनियर को कैप्टन अमेरिका 4 के सेट पर देखा गया है, जिसके बाद फैंस के मन में लड्डू फूटने स्टार्ट हुए कि फाइनली हमारा सुपर हीरो वापस देखने को मिलेगा। लेकिन फिर पता चला कि ये फ्लैशबैक सीन होगा जिसे कैप्टन अमेरिका 4 में डाला जाएगा। लेकिन ये इतने बड़े दुख की बात नहीं है कि फैंस इसके लिए शोक मनाए, ये तो हम फैंस के लिए खुशी की बात है, चाहे ये सीन फ्लैशबैक ही क्यों ना हो। लेकिन जो रूमर सब निकल कर आई है उसे सुनकर आयरन मैन के फैंस, जिनमें मैं भी इंक्लूड हूँ, वो सब इस न्यूज को सुनकर परेशान हाल हो जाएंगे, क्योंकि 2022 में डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी आई थी जिसमें कई यूनिवर्सेस को दिखाया गया था, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ वांडा और कई और सुपर हीरो के वेरिएंट देखने को मिले थे। और रूमर तो ये भी थी कि इसमें आयरन मैन का भी एक वेरिएंट देखने को मिलेगा, जो नहीं हुआ, और हम फैंस को मिला सिर्फ पापा जी का थुल्लू। लेकिन फिर भी फैंस ने हिम्मत नहीं आ रही, क्योंकि एमसीयू में मल्टीवर्स सागा की शुरुआत हो चुकी थी, तो फैंस की उम्मीदें और बढ़ गई इस चीज को लेकर कि मार्वल किसी और यूनिवर्स के आयरन मैन को हम फैंस को रिटर्न कर सकता है। इसी चीज को लेकर मार्वल स्टूडियो में बहस छिड़ी हुई थी कि किसी और यूनिवर्स का आयरन मैन फैंस को रिटर्न कर देते हैं, जिस पर मार्वल स्टूडियो के डेवलपमेंट प्रोडक्शन के अध्यक्ष ने पूरी तरह पानी फेर दिया है। इस बंदे ने आयरन मैन के मल्टीवर्सल वेरिएंट के टॉपिक को ही शट डाउन कर दिया है, जिससे अब आयरन मैन के रिटर्न आने के चांसेस जीरो हो जाते हैं। और आयरन मैन स्टार आरडीजे ने हॉलीवुड रिपोर्टर के एक इंटरव्यू में आयरन मैन से रिलेटेड कुछ चीजें क्लियर की है, जैसे कि वो आयरन मैन के लिए रिटर्न आएंगे या नहीं, क्योंकि आयरन मैन को रिटर्न लाना किसी डेवलपमेंट प्रोडक्शन के अध्यक्ष के हाथ में नहीं है, बल्कि केविन फैगी के हाथ में है। आयरन मैन के कैरेक्टर को लेकर आरडीजे ने कहा कि उन्हें पहले ही अंदाजा था कि कहीं ना कहीं एक सुपर हीरो का कैरेक्टर को प्ले करना उनके एक्टिंग कैरियर को अफेक्ट कर सकता है, जिसके लिए उन्हें कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि वो पहले इसके बारे में जानते थे कि एमसीयू में आयरन मैन के कैरेक्टर को प्ले करना मार्वल के बाहर उनके एक्टिंग कैरियर के लिए एक खतरा हो सकता है। और एमसीयू में रिटर्न आने के सवाल पर रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने बिल्कुल भी खुलकर बात नहीं की, लेकिन ये श्योर है आरडीजे आयरन मैन का कैमियो आर्मर वॉर मूवी में जरूर होगा, जिसे एवेंजर्स सीक्रेट वॉर जैसी मूवी के लिए केविन फाइगी अभी के लिए बचाकर रख रहे हैं, क्योंकि एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर दोनों मूवी की मार्वल को हाइप भी तो क्रिएट करनी है। वेल, तो भाई लोग इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर किसी और नई उम्मीद के साथ।